हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में दिन दहाड़े पिस्तौल दिखाकर ज्वेलरी की दुकान में लूट। पायजेब खरीदने के बहाने दो नकाबपोश बदमाशों ने दुकान मालिक को बंधक बनाकर की मारपीट। जोधपुर के सरदारपुरा बी रोड इलाके में गुरुवार को दिन दहाड़े दो नकाबपोश बदमाश एक ज्वेलरी की दुकान में लूट करके फरार हो गए। खरीदारी करने के बहाने दुकान में घुसे बदमाशों ने पिस्तौल दिखाते हुए दुकान मालिक को बंधक बना लिया और सोने चांदी के गहनों के साथ ही नकदी लेकर फरार हो गए। गोल बिल्डिंग के पीछे रहने वाले कमल सोनी हमेशा की तरह आज भी सरदारपुरा बी रोड स्थित अपनी मॉडर्न ज्वेलरी नामक दुकान खोलकर बैठे थे। दोपहर करीब 12 बजे दो युवक दुकान में आए और पायजेब दिखाने को बोला। उन्होंने पायजेब दिखाना शुरू किया। इस दौरान एक युवक ने कमल पर रिवॉल्वर नुमा हथियार तान दिया। दूसरे युवक ने उनके हाथ पांव बांध दिए। कमल के विरोध करने पर बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की। दुकान के बाहर कांच लगा होने के कारण पड़ोस के दुकानदारों व वहां से निकल रहे लोगों को लूट का आभास तक नहीं हुआ। चंद मिनटों में ही बदमाशों ने जो भी सोने चांदी के गहने सामने पड़े उन्हें एक बैग में डाल दिया। साथ ही उन्होंने वहां पड़ी नकदी को भी समेट लिया। कमल को धमकाते हुए बदमाश जाते समय वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की पूरी यूनिट ही उठाकर चलते बने ताकि लूट का घटनाक्रम किसी को पता ही नहीं चल सके। बताया गया है कि युवकों के लूटपाट करने से पहले एक महिला दुकान में आई थी। वो ग्राहक बनकर आए या फिर लुटेरों से उसका ताल्लुकात था, इस बारे में अभी पता लगाया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस उपायुक्त पश्चिम प्रीति चंद्रा, एडीएसपी उमेश ओझा, सरदारपुरा थाना अधिकारी लिकमारा मादी वहां पहुंचे। दुकान का मौका निरीक्षण के साथ आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को जांचना शुरू किया। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।